See, Varun, I want you to look like a dancer. और तो मैं ट्रेनिंग के लिए गया और ट्रेनिंग में जितने भी लड़के हैं फिल्म में फिक्टिशियस ग्रुप के आई मीट माय मदर हियर दिस सॉन्ग. मैंने मेरे मॉम को ये गाना सुनाया था, मुझे याद है कंप्यूटर के सामने मैं मॉम वाज सिटिंग और वो रोने लगी थी बिकॉज जैसे आपने कहा शी हैड लॉस्ट हर मदर. और ये सब सिर्फ गाना मैंने उनको सुनाया था तो मुझे पता था कि इस गाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मेरी माँ को ये गाना बहुत पसंद आया. और मेरे हिसाब से ये गाना सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, रेमो सर से ABCD टीम की तरफ से ये सभी के मॉम्स के लिए ये गाना, इट्स डेडिकेटेड टू एवरी वन मदर एंड फ्रॉम एनी वन एनी चाइल्ड हार्ट. My parents were there, so my dad went and received the award. Arjun was there, lot of people, lot of my family members were there. Shraddha was there from ABCD2's team, Lauren was there, so a lot of people were there. So yeah, I got it for Main Tera Hero, which is again very close to my heart. But my parents are coming back and going to give me the IFA award. But this is a song which I'm dedicating to both my parents, my mother and my father, especially my mother, because that's how close it is. And she hasn't seen the song, so she's going to land soon. So I'm the first thing I'm going to do is show the song. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ना ही बना सकते हैं. एक्चुअली बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बोलते हैं एनीबडी कैन डांस और हम ही अगर उसको कॉपीराइट कर दें तो फिर क्या फायदा उसका. तो कोई कॉपीराइट नहीं होगा, कोई स्टेप का कॉपीराइट नहीं, जो है जैसा है वैसा सब कर सकते हैं. और तो ऐसा कोई रेमो सर का देखा जाए तो जो डांस स्टाइल था इट्स अ तांडव मिक्स था इसमें. नहीं, कंटेम्प्रेरी था, प्योरली कंटेम्प्रेरी था, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बोलते हैं इसको. और एरियल सिल्क यूज़ किया था, दो चीज़ें मिक्स की थी. और इसके लिए बहुत जैसे कि वरुण ने कहा कि बहुत मेहनत की है उन्होंने क्योंकि जब इनकी सारी फिल्में पहले जो हुई हैं उसमें ही इज़ वेरी फिट एंड दिस थिंग डांस करते हैं, फ्लो बहुत अच्छा बॉडी का, लेकिन कंटेम्प्रेरी के लिए एक अलग बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत है. उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की क्योंकि उसके लिए ज़्यादा फिट बॉडी नहीं चाहिए होती है, बहुत लूज शोल्डर्स ईजी होने चाहिए, शोल्डर्स नीचे होने चाहिए, बॉडी एकदम इनफैक्ट लीन होनी चाहिए. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने ये किया. एंड फाइनली जब मैंने लास्ट रिहर्सल देखा, पुनीत ने ट्रेन किया इनको, पुनीत पाठक, तो जब मैंने रिहर्सल देखा था रिहर्सल हॉल में और फिर मैंने देख के मैंने कहा था कि दिस विल बी योर वन ऑफ द बेस्ट डांस परफॉर्मेंस. डांस को क्यों आपने डांस के लिए ऑफकोर्स दो रीज़न थे. मैं हर बार बोलता हूँ कि ये दो रीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए. और थ्री डी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि इसको अगर सही ढंग से यूज़ करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी हैव राइट नाउ फॉर फिल्म मेकिंग. एक रीज़न ये है कि डांस को किसी ने 3D में एक अलग थर्ड डायमेंशन मिलता है आपको. वही स्टेप जो आप सीधा 2D में देखते हैं वही स्टेप अगर 3D में देखें तो आपको एक अलग दिखाई देता है. दूसरा रीज़न बहुत यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस फिल्म देखने आती है वो और मेरी फिल्म वो इन्वॉल्व हो जाए फिल्म में, या तो मेरे कैरेक्टर बाहर आ जाते हैं या फिर ऑडियंस फिल्म के अंदर चली जाती है. सो ये दो रीज़न है इसलिए मैं ऑलवेज 3D करता हूँ. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि ABCD में ऐसे ही होता था. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे पता है मैं इस गाने में अकेला हूँ, बट फिल्म के जो आखिरी दो गाने, हम लोग ने दो गाने अब तक रिलीज़ नहीं किए जिनका नाम है वंदे मातरम एंड गनर आया, दोज आर द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म. और मेरा ये मतलब कि उसमें जो डांसिंग है दैट्स 50-60% बेटर देन एनीथिंग यू सीन टिल डेट. एंड पर्पसली हम लोग वो रिलीज़ नहीं करने वाले. इसके लिए तकरीबन एक महीना गया था पुनीत के साथ, कुछ एक हफ्ते के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग ही कराया पुनीत ने मेरे को. एंड जब ये एरियल सेट करना था तो मैंने बोला ये तो होगा नहीं क्योंकि पुनीत इज़ अ ट्रेन डांसर, ही कैन डू इट. तो रेमो सर बोले नहीं नहीं नहीं, ही केप्ट हिज माइक डाउन एंड ही डिड इट देन. एंड आई शुड हैव सेड दैट इवन यू आर अ ट्रेन डांसर दैट टाइम, बट एवरीथिंग दैट मैं बोलता था कि मैं ये नहीं कर सकता था तो रेमो सर खुद करके दिखा देते थे. तो व्हेन अगर आपके डायरेक्टर इतने हैंड्स ऑन है तो फिर प्रेशर आ जाता है, यू हैव टू डू इट. बट आई थिंक वन मंथ एवरी डे ट्रेनिंग वॉज देयर. एंड मुझे बेफीट डांस करना था एंड रेमो सर सेड आई वॉन्ट योर लेग्स टू गेट डर्टी, आई वॉन्ट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, योर बैक, योर हैंड्स, जस्ट बी फ्री, यू नो, जस्ट मतलब यू हैव टू बी
obsessed and like almost कि आप में कुछ दूसरी आत्मा चली गई है and and हम लोग ने ये गाना एक रात में शूट किया बहुत सिंपल हो जाता है अगर मैं इनको बोलता कि लिप सिंक पकड़ लो आप तो बहुत अच्छा एक्टर हैं और अगर लिप सिंक पकड़ते करेक्ट इमोशन करते तो सही हो जाता मैंने कहा कि लिप सिंक मत करना आई वांट यू टू एक्सप्रेस थ्रू योर बॉडी सो इसलिए मैंने इनसे लिप सिंक भी नहीं कराया और तभी जाके ये एक्चुअली सो जो मूव्स आर आल्सो देयर बिकॉज़ द वॉइसेस आर कमिंग इन माय हेड आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट आई एम होल्डिंग माय हेड गोइंग डाउन आई एम कमिंग अप लुकिंग अप सो वो हर चीज का एक लिंक है और मैंने तेरा सर है झुकाया माय हेड एक्चुअली goes down and goes up तो हर चीज़ का एक लिंक है पुनीत ने बहुत आई डोंट नो हाउ ही कोरियोग्राफ्ड इट मैंने कभी इस तरीके का कोरियोग्राफी देखा नहीं है ऑब्वियसली रेमो सर एंड ही आर वेरी क्लोज तो उन लोग के बीच में कुछ डिस्कशन होता था बट मैंने एक्चुअली पहली बार 3D में खुद देखा है तो मैं खुद बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया अभी बट रेमो सर सेम टाइम अगर हम आपके ऑडियंस को बोलते हैं एबीसीडी में काफी लोग उम्मीद थे कि आप आए बट इस बार अभी तक कंफ्यूजन है कि आप है कि नहीं मेरी फिल्म है आप फिल्म देखिए ना मेरे फिल्म में देखो प्रभु देवा है वरुण धवन है श्रद्धा कपूर है बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स हैं बहुत सारे लोग हैं मैं ये कह सकता हूँ कि रेमो सर नहीं बट I don't give out any information. But बहुत सारे dancing legends, बहुत सारे लोग जिनका dance पे authority है हमारे country में वो सब है इन इस picture में कहीं ना कहीं छोटी छोटी झलकियाँ में everyone has helped us make this film. जी बप्पा बप्पा के बगैर मेरी फिल्म अधूरी है और मैं बहुत बड़ा गणपति का भक्त हूँ और मेरे मैं हर साल गणपति मेरे घर ले आता हूँ आज से 15 साल हो गए हैं और मैं बहुत बहुत बिलीव करता हूँ गणपति इसलिए मेरी हर फिल्म में गणपति जी का गाना होना बहुत ज़रूरी है और इस फिल्म में भी है वो किस तरीके से आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो आप फिल्म में देखें वरुण एक्सप्रेशंस के साथ कैसे आपने वो एक्सरसाइज करी एक तो लिप सिंक कैमरा 3D था करेक्ट तो फिर उसमें कंसील करना ज़्यादा तो करेक्ट ये सही बात बोली 3D में यू मेक ज़्यादा फेसेस यू मेक इट कैन लुक बैड और जैसे रेमो सर ने कहा कि लिप सिंक नहीं है इस फिल्म में तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके का आई टू एक्सप्रेस अ लॉट थ्रू माय आईज़ जो भी कह रहा था आँखों के थ्रू दिखना था और उनको ज़्यादा मेलोड्रामेटिक भी नहीं चाहिए था बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ सन एंड अ मदर एंड दैट टू नॉट इवन लाइक सन ऑफ माई एज अ चाइल्ड एक्चुअली जब मैं छोटा था जब सुरेश छोटा होता है और उसके माँ के बीच में